और दोस्तों राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस वक्त मोहन की। तो मोहन इस समय थोड़ा सा टेंशन में ज़रूर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जल्दी ही आखिरकार दामिनी के बारे में ऐसे ऐसे सबूत हाथ लगेंगे, जिसके बाद में वाकई में मोहन बोलते हुए नजर आएंगे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि दामिनी इतनी बड़ी गद्दार भी निकलेगी। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि राधा ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे होते हुए इस परिवार में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता और मैं बुरा होने भी नहीं दूंगी। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित भी नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार दामिनी कितनी ज़्यादा शैतान थी। और दामिनी की अगर बात की जाए तो दामिनी ने पहले ही बोल दिया था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और आप लोग जानते हैं इस चीज़ को कि इस समय सभी लोगों के होश उड़े हुए हैं। क्योंकि बात की जाए इस वक्त की तो सभी लोगों को इतना ज़रूर पता है कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं बुरा तो हो ही रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही आप लोगों के बीच में कहानी में ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां पर बात की जाए दामिनी की मॉम तो दामिनी की मॉम भी खुद एक्सपोज होती हुई नज़र आने वाली है। क्योंकि बहुत पहले ही बोल दिया था दामिनी की मॉम के लिए सभी लोगों ने कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बहुत ही अलग रीज़न है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय आप लोगों के बीच में जो देखने को मिलेगा वो बहुत ही घना दिलचस्प ट्विस्ट और एक नया नज़रिया देखने को मिलेगा, जब आखिरकार इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दामिनी जाएगी। और लेकिन वो जाती जाती एक बार फिर से अटैक करने की प्लानिंग करती हुई नज़र आ रही है। अटैक भी वो किस तरीका से करेगी आप लोग जानते ही हैं। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी का जो ट्विस्ट है वो और भी घना दिलचस्प देखने को मिलेगा। उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताइए गाइस कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को वाकई में सपोर्ट किया है। लव यू गाइस।